बेकार न कहिए इन्हें, बस तराशने की देर है। जरा देखिए इन नजारों को, जहां हर तरफ खूबसूरती का ढेर है। ये नजारा सूरजकुंड मेले में लगी मेघालय के स्टॉल का है, जहां फूलों की खूबसूरती देखते ही बनती है। रंग बिरंगे फूलों की ये बगिया यूं ही खास नहीं है, इसे प्रकृति ने खुद सजाया है। सही सुन रहे हैं आप, ये खूबसूरत कलाकारी पेड़ों के सुस्तबुज और भुट्टों के छिलकों से की गई है। इसकी खासियत है कि ये सब नेचुरल आइटम से बना हुआ है, इसमें प्लास्टिक वगैरह कुछ वो यूज नहीं है, और जो चीज फेंकना होता है उसी चीज से हमने बनाया हुआ है। सुना आपने, इन सभी चीजों को बेकार समझकर फेंक देने वाली चीजों से तैयार किया जा रहा है, जिनकी रंगत अब इस कदर बदल गई है कि अब किसी भी घर की शान बढ़ा सकते हैं। बहुत ही सुंदर है ये, हमें कभी नहीं मिलती, हम हमेशा यहीं से लेके जाते हैं। ये स्टिक हैं, बहुत अच्छी हैं, यहीं मिलती हैं, बाहर कम मिलती हैं। वैसे भी इस मेले में जो चीज़ मिलती है बाहर मिलती नहीं है। अच्छा। इसलिए हम हर साल 2-3 चक्कर लगाते हैं, ताकि यहाँ से अच्छी अच्छी वैरायटी यहाँ से ले जाके, बेडशीट वगैरह हैं और बहुत आइटम है। यहाँ जो कपड़ा मिलता है वो बाहर नहीं मिलता है। सूरजकुंड में मेघालय से आए हस्तशिल्प कलाकारों का कहना है कि उन्हें लोगों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और वो पहली बार यहाँ आकर बहुत खुश हैं। होलसेल करते हैं हम लोग ये मेघालय में, जैसे अगर कोई हमें ऑर्डर देते हो बुके के लिए या फिर पार्टीज के लिए, तो हम फिर वो देते हैं बुके बना के, और जैसे होलसेल में जिस किसी को लूज चाहिए होता है। मेला बहुत अच्छा है और डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स देखने को मिल रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के, नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी मिल रही हैं, हैंडीक्राफ्ट्स की जो यहाँ पे चीज़ें हैं काफ़ी अच्छी और चीप एंड बेस्ट प्राइस इसमें। सार्था क्षेत्री को अपनी इस कलाकारी के लिए स्टेट अवार्ड भी मिल चुका है। इतना ही नहीं, ये अपने इस हुनर से 60 लोगों को रोजगार भी दे रही है। आत्मनिर्भर महिलाओं के लिए सार्था एक प्रेरणा है। सूर्य समाचार के लिए फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट।